प्रकाश कह रहे हैं पैसे देके भी ऐसे खड़े रहना पड़ रहा है जैसे हम शादी में खाना ले रहे होंगे ना, वैसे लग रहा है सच्ची में। और शादी से भी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। गाइस हमने रिफंड कर लिया अपना पैसा और हम यहाँ से चले गए हैं, और आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे यही कर रहे हैं। बाप रे इतनी गर्मी हो रही है गाइस, वी आर लीविंग, और इतनी गर्मी हो रही है ना। मोंटी लॉक कर दे, आई कांट इवन टेल यू कि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। ओफो प्रांत से तो मिल लेते, चलो प्रहान को जा रहे हम बाई बोल लें। मम्मी प्रहान निकल गए हैं घर से, और अभी हमने जाना है निरंजनपुर क्योंकि दीप्ति का घर वहीं पे है। तो गाड़ी आ रही क्योंकि थोड़ा सा दूर है हमारे यहाँ से, पर चलते हैं। अच्छा बेटा दोस्त को इग्नोर करा रही है ना। हेलो मैं ही करती हूँ, तू कभी मत करना। अब मैंने पीछे कर। तो गाइस वी आर रेडी चुके हैं, हम मिलते ही रहते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं किधर, यही भी किधर लेके जा रही है तू? प्रकाश कह रहा क्लब चलते हैं, चलो यार मिलते हैं, बाय बाय। तो गाइस हंसने की जरूरत नहीं है। हल्दीराम, अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी जा रहे वाला हल्दीराम, अभी हम जा रहे हैं हल्दीराम, पर अभी कुछ कंफर्म नहीं है। हल्दीराम ही जा रहे हैं ना? हाँ गाइस हल्दीराम जा रहे हैं, और मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। नितिन एक दो बार चले गए हैं, मैं फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, जीजू भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो देहरादून वाले हल्दीराम में देखते हैं यार कैसा बना है। रिव्यू देंगे, बस अच्छा है तुमने तो बताया। अच्छा तो चलो बैग से वो भी दिखा, बढ़िया लगे। अभी हम पहुंचे हैं, दिखाते हैं। मैडम दीप्ति हम पहुंच चुके हैं, ये रहा आउटलेट, और ये पुलिस भैया हमको कह रहे हैं यहाँ पे पार्क नहीं करना। अच्छा इन, रहे पार्किंग? इनकी पार्किंग इसके अंदर है हल्दीराम मोहल्लों की शायद। नहीं पेड पार्किंग है इधर। अच्छा मतलब मेरा चैनल है तो मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा। बंदे तो मेरे पे हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलाकी से हमें टेबल दिलवाया, इसने ब्लॉक कर दिया इसलिए हमें टेबल मिला, वरना हमें फोन भी कर दिया। अच्छे आ रहे हैं यहाँ से, वैसे इस बार नहीं अच्छा आ रहा है। गाइस ये हमने खाया नहीं है, जिन्होंने खाया था उनका है। इस फाइनली हमें टेबल मिल चुके हो, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो अभी फिर मुश्किल से मिली है, लेकिन फाइनली मिल चुकी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है।
अच्छा है वो थक गए बेचारे, तेरे को उसकी बड़ी है राज कचौरी। और ये आलू चाट है ना जीजू, आलू पापड़ी चाट ना, पापड़ी चाट, पापड़ी चाट। पापड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा है ना, कैसी है? अरे शुभ नहीं लाए यार ये लोग, मैं टेस्ट करूँ। कैसा है बेबी? चाहिए पर भीड़ बहुत ज्यादा है। और टेस्ट कैसा है, मतलब इतने जितनी हाइप है उस अकॉर्डिंग कैसा है? है ना, इट्स नॉर्मल ना। ये बहुत अच्छा है, इनका पापड़ी इनकी बहुत अच्छी है। ये मोहितो के नाम पे ना स्प्राइट है, स्प्राइट है सही में, और उसमें सोडा डाल रखा है, आइस क्यूब डाले हुए। और तुम्हें इस रेस्टोरेंट की ना ये हाइप दिखाऊं, भीड़ दिखाऊं, लोग ना ऐसे वेट कर रहे हैं, लोग ना यहाँ पे वेट कर रहे थे, पूछ रहे हैं बार बार कि आपका हो गया, और फिर भी हम ना एकदम लास्ट की टेबल पे बैठे हुए, मतलब लास्ट कॉर्नर पे। और ये मतलब एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है, पूरा का पूरा आउटलेट फुल है। बट मेरे को नहीं लगता इट्स वर्थ इट, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो कितना कुछ खाते, क्योंकि नया खुला भी सिर्फ एक हफ्ता हुआ है ऐसा खुले हुए, है ना। तो अगर आपको आना है तो मे बी एक डेढ़ महीने बाद आना मेरे हिसाब से, और ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है जैसे हल्दीराम, मतलब थोड़ा ब्रांड है तो हाँ, ब्रांड की वजह से वो जस्ट उसको बेच रहे हैं, है ना। नॉर्मल ये जैसे आनंदम, बीकानेर, कोहली, इन सब का टेस्ट, सारे स्वीट्स ऑप्शन है ना, इन तुम्हें पता ही है, मैं इनसे बेटर ही है, आनंदम बेटर है इससे मेरे को अच्छा लगता है। अब मैं तुम्हें थोड़ा यहाँ का क्राउड दिखाती हूँ, क्राउड इतना ज़्यादा है, फिलहाल वेटिंग पूरा का पूरा टेबल भरा पड़ा है, और उधर पीछे तक इतना मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ। और दीप्ति सबसे बुरी चीज़ तो ये है, सेल्फ सर्विसर हमारे बंदे यहाँ पे बैठे ही नहीं है, लाइक हम दोनों को लगा गाइस, मतलब मैं और दीप्ति सोच रहे थे हम डेट पे जाएंगे, है ना दीप्ति, और अब वही होता है ना कि हल्दीराम सोच के हम इधर आ गए, बट सीरियसली हमारे बंदे हमारे साथ ही नहीं आते, को प्रकाश गायब है, नितिन भी गायब है, ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। फाइनली प्रकाश भी आ गए हैं। प्रकाश बोलो कैसा लग रहा तुम्हें अभी? प्रकाश कह रहे पैसे दे के भी ऐसे खड़े रहना पड़ रहा है जैसे हम शादी में खाना ले रहे होंगे ना, वैसे लग रहा है सच्ची में। और शादी से भी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और पैसे दे के भी ऐसे, मतलब खुद से लाओ खुद से, मतलब कुछ बोल नहीं सकते भाई, बहुत भीड़ है। प्रकाश को पसंद नहीं आया बिल्कुल, प्रकाश को बोल अभी कहाँ आ गया ना, दूसरी जगह जाके सामने ला देते हैं आराम से, होता है वो। तुम्हें बताओ तुम्हें कैसा लगा वो मोहितो? मोहितो मंगाया मिंट, मोहितो मिंट का ना एक बूंद मिंट नहीं है, बोले नींबू डाला, आइस डाली और सोडा डाल के स्प्राइट डाल के, ऐसे जहर इतना तेज है ना, टूटा नहीं जा रहा यहाँ से। तो पार्किंग इन्होंने पीछे करी हुई पूरी अपनी, ये पार्किंग है इनकी यहाँ पे। गाइस हमने रिफंड कर लिया अपना पैसा और हम यहाँ से चले गए हैं, और आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे यही कर रहे हैं। उसके पैसे कटे भी नहीं, चाट क्या बोल रहे, किसके पैसे नहीं कटे, चाट के और उसके, और हमने पूरा रिफंड कर दिया था। गाइस क्या हो गया गाइस, हमने फ्री में चाट और राज कचौड़ी खा ली, इतनी भीड़ है यार क्या करना है यहाँ पे, अब हम कहीं और जा रहे हैं। ओहो भाई साहब गलती से भी ना आई हो यहाँ पे कुछ टाइम तो, क्यों प्रकाश? नया खुला है ना, नया खुला है, हम लगा 9 बज गई हमारा फालतू, वहाँ पे पूरा डेढ़ घंटा वेस्ट हो गया है, अब हम कहीं और जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ
आप किधर जा रहे हैं? भाई अभी सोच रहे हैं। तो कैसे लगा आपको हल्दीराम जीजू और दीप्ति रिव्यू करे? है जीजू देखो मतलब बेकार तो अभी नहीं बता सकते, पर ये है कि वहाँ बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा पे जाना तो बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफी है। हमने संडे को तो खास कर हमने पैसा वापस ला दिया अपना, चल रहा है हम कहीं और। जाना इतना शौक है, देखो होता ही नहीं चार्टर राजकचौड़ी की पेनल्टी भी लग गई उन्हें। हाँ चार्टर राजकचौड़ी की पेनल्टी लग गई हमें वेट कराने के लिए, पर टेस्ट कर लिया अच्छा है ये चीज। गाइस चलते हैं चलते हम पैसे पे पहुंचने वाले। सही बोला था दीप्ति ने, हल्दीराम अभी कुछ कंफर्म नहीं है। दीप्ति तेरी जुबान लग गई, कहीं और भी जा सकते हैं, तूने ऐसे बोला था ना। मैं तो मेरे को ब्लेम मत कर, फिर बोलेंगे तू अनहूस है। नहीं ब्रो यार, उनका आंख नहीं है, वो देख नहीं रहे कितना क्राउड था वहां पे। नहीं पर मेरी सही में जुबान बहुत गंदी है यार, मैंने बार नोटिस करी है। क्या बात कर रही है यार, चुप कर बकवास। अच्छा अच्छा बोला कर। मैं अच्छा बोलने की कोशिश करती हूं। अच्छा अच्छा बोला कर। जो मेरे मुंह से कभी-कभी निकलता है ना, वो सही में बहुत 90% तो 99.9% मैं बता रही हूं, वो सही में सच होता है। आहो मेरे को दिखा रही है। हां गाइस ये बता रही हूं क्यों होता है गाइस, मुझे आई डोंट नो। मैं नहीं वो तो नहीं हूं गाइस, अंतर्यामी तो नहीं हूं। आप लोगों को आना होगा तो फिर वो बुकिंग करवा लेना गाइस। कुछ लोग मुझे पनौती बोलते हैं लेकिन नहीं, मेरे लिए ये शब्द उचित नहीं है। मैं तो गुरु हूं, मैं गुरु हूं। नन से भी आगे आ चुके हैं। पैसिफिक भी हमने क्रॉस कर लिया है। देखते हैं क्या अब फिर से बकवास मत करते रहे, फिर तो बोल कहीं हम, मेरे को लग रहा है हमें स्टार्टिंग में बोल दिया था कि देखते हैं अभी कहाँ जाएंगे। अब ऐसा ना हो कि मैं मसूरी जाना पड़े। गाइस ये भी हमें अंदर नहीं आने देंगे अब, पता नहीं कौन से दिन हम घर से बाहर निकले। ये एक्सो एक्सो ना क्यूट, हमें एक्सो एक्सो जाने का मन है, पर वहाँ कैफे खाने को मिलेगा कुछ अच्छा। एस्थेटिक एस्थेटिक कैफे है वो। तो अभी हम डायरेक्ट चलते चलते पैसिफिक हिल्स तक आ गए हैं, मतलब राजपुर रोड पे आ गए हैं प्रॉपर ऊपर। अभी भी देखते हैं हमें सिटिंग मिलेगी कि नहीं, क्योंकि ये लोग बात कर रहे हैं। अरे दूर हो जाएगा बहुत, हल्दीराम नहीं जा रहे अब यार। दीप्ति गाइस सच में एक नंबर की पनौती है, इसने बोला अभी देखते हैं, यहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला, हम वहाँ पैसिफिक हिल से भी वापस जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली हमें टेबल मिल चुका है और वी आर एट ग्रिल, पंजाब ग्रिल ना, नहीं यार नॉन वेज ना, आज दिन में भी हमने खाया बट आप तो अभी हम लोग आए हैं पंजाब ग्रिल में। तो फाइनली हमें टेबल मिल चुका है और यहाँ पे भीड़ नहीं है, एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। लेट मी शो यू ग्लास। हाय बेबी, क्या बोल रही? आप सब कर दीजिए। अच्छी शक्ल दिखनी चाहिए अदरवाइज दिल टूट जाएगा। मेरी शक्ल तो दिखाते हैं मुझे डिमसम्स की। हटाइए ढक्कन, बता दीजिए कौन कौन सा है। न्यूयॉर्क चिली चीज़, वेज एंड दिस इज वेज डिमसम। ओके इट्स अ ट्रांसपेरेंट डिमसम। ओके सब खा लेंगे ठीक है। बाउ डिमसम आ गया तुम्हारे पास, दिस इज बाउ डिमसम। मीठा लग रहा है मेरे को, मीठा है।
हाउ डू लाइक आई थी ट्रांसपेरेंट वाला बेस्ट था ना, इसमें ये ज़्यादा बंद दे दिया यार। ये चैपल हाँ ये बाउल ये बन है बन मतलब बाउल यहाँ पे तो डिनर हमारा डन हो चुका है और दीप्ति मैडम इसको पीना चाह रही है। दीप्ति फटाफट से, कोई नहीं देख रहा, टेबल के नीचे जाके। अरे पेट सा भर गया यार, पी लो यार तुम लोग। प्रकाश लो आप पी लो, मेरा तो बहुत पेट भर गया। अच्छा बहुत है, पर अच्छा है। गड़क जाओ फौजी साहब। चल ब्रो। ओके ब्रो, बाय बाय। तेरे कंधे पे आ रही है, पर जाना पड़ेगा घर, बच्चा है घर में। भाई 11:05 हो चुके हैं। बारिश नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार, बारिश लग रही है यार। कोई नहीं, चलो नहीं होती बारिश का ऐसा ही सिस्टम है। निकलो चलो बाइक का, जिसे मिल लेते हैं। भाई सुबह जीजू ने 20 मिनट में मुझे घर पहुंचा दिया। हाँ देखो 11:20 हो रहे हैं, नहीं 11:25 हो रहे हैं। मोंटी खोल दे। 11:05 पे मैं हम वहीं पे थे। नाइस, मजा आई ना भाई। मजा आ रही थी ना। अब खोल दे। डेट कैसा रहा? अरे बढ़िया रहा, बस हल्दीराम में गए थे तो वहाँ जाके बेवकूफ़ी कर दी जाने की। तूने खाना खा लिया ना? अरे नया आउटलेट खुला था, इतनी भीड़ थी भाई साहब, ऐसा लग रहा था सारा देहरादून वहीं घुस गया। तो चलो गाइस, बहुत तेज़ नींद आ रही है, पता नहीं आज हम दिन से ही थक रखे हैं। तुम्हें पता है दिन में हल्का लोग भी आए थे तो सो नहीं पाए हम। तो मैं घर पहुँच गई हूँ 11:25 पे। वहाँ जीजू ने एकदम मस्त राइड किया, भाई मज़ा आई, और पूरी रोड खाली थी, सही मजा आ रही थी। तो चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ब्लॉग पे लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।